हेलो फ्रेंड्स, एचटीएमएल सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, कमेंट्स एक काइंड ऑफ टेक्स्ट हो सकता है या फिर एक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन हो सकता है जो आप अपने पेज में इंक्लूड कर सकते हो। इसे हम इंक्लूड क्यों करते हैं? इससे हमारी कोड रीडेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन इसकी खास बात यह होती है कि ये ब्राउज़र पर रन नहीं करता। मतलब यदि आप चाहोगे कि जो आपने कमेंट कर रखा है वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो तो वो नहीं होगा। ये हम अपनी समझ के लिए बनाते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, ताकि सपोज हम अपने कोड को किसी थर्ड पर्सन को शेयर करते हैं तो उन्हें पता चल रहा होगा कि आपने कोड में क्या कर रखा है। सपोज आपने कुछ ऐसा सेक्शन ले रखा है जहाँ पे यूज़र को समझने में डिफ़िकल्टी हो, तो वहाँ पे हमारा कमेंट हेल्प में आता है। तो कमेंट के लिए कुछ नहीं करना होता, एंगल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होंगे, स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन का साइन होगा और यहाँ पे हाइफन लेना पड़ेगा आपको। तो इसी को हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंट्रोल एस यहाँ पे कर लेते हैं, कमेंट्स डॉट एच टी में एंटर, इसको कट कर लेते हैं, यहीं पे कर लिया एच टी एम एल एंटर। यहाँ पे ले सकते हो कमेंट्स, यहाँ पे सपोज हमने लिखा H1 टैग और यहाँ पे लिख सकते हो हेडिंग, यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हो कंट्रोल V जो हमने ले रखा था 4 हेडिंग। अब सपोज कोई थर्ड पर्सन आपके कोड को रीड कर रहा है तो उसको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो आपने काम कर रखा है वो हेडिंग से रिलेटेड कुछ कर रखा है, तो वो उसको कमेंट से समझ में आएगा। इसी तरह आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, और कमेंट्स में ऐसा नहीं कि हर लाइन में आप कमेंट दे सकते हो। कमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली रीडेबल हो, और एक पेज में आप उतना ही कमेंट क्रिएट करो जितनी रिक्वायरमेंट हो। तो एक ये हो गया, एक और आप कर सकते हो, इसको कॉपी किया कंट्रोल V, यहाँ पे आप लिख सकते हो पैराग्राफ और यहाँ पे आप दे सकते हो कमेंट्स फॉर पैराग्राफ, इसको सेव किया। बस ये काम करना होता है आपको। वैसे यदि आपने C++ पढ़ रखा होगा तो वहाँ पे आपने सीखा होगा कि सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। यहाँ पे इसी को आप सिंगल बना सकते हो और इसी को आप मल्टीपल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे आपने इसी को ले लिया कमेंट्स फॉर पैराग्राफ, यहाँ पे आप ले सकते हो इट इज यूज टू डिस्प्ले आर टेक्स्ट, टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरह आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हो। इसको सेव किया, रन कर लेते हैं। यहां पे गया राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम, तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया हेडिंग और ये हो गया पैराग्राफ। यहाँ पे कमेंट जो आपने लिख रखा था वो डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता, वो बेसिकली हम अपनी समझ के लिए बनाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।